भोरंज विधानसभा क्षेत्र में नामांकन भरने के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश कुमार ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय भोरंज में नामांकन भरा। कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में बस्ती चौक से लेकर एसडीएम कार्यालय तक शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से बगावत उतरे एपीएमसी के चेयरमैन प्रेम कौशल ने भी आजाद उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय भोरंज में दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने शंभूताल में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है और भोरंज विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास करवाना अपनी प्राथमिकता बताई। पार्टी की जो हमारी हाईकमांड है उसका भी धन्यवाद करता हूँ, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और उनके सहयोग से और उनके आशीर्वाद से हम बीजेपी की ओर अग्रसर हैं। तो सर, पूर्व प्रत्याशी रहे प्रेम कौशल जी भी आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो इससे पार्टी को और आपको कितना क्या फर्क पड़ेगा सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो ये शुरुआती दौर है, उनको भी मनाएंगे। तो उनका कहना है सर कि आपका जो पिछले 5 सालों में पब्लिक रिलेशन जो है वो बहुत ही कम रहा है, तो सर आप इस तरह कैसे जीत का दावा करते हैं यहाँ से? देखिए, जो ये दावा करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने घर के अंदर कोई गुफा नहीं बना रखी है, मैं उसमें अंदर रहता हूँ। मैं निरंतर जो है सक्रिय रहने वाला व्यक्ति हूँ, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो। आज इतिहास गवाह है, जब विपक्ष की सरकार थी प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे, यहाँ मेरे ऊपर मुकदमे बने हैं। हमीरपुर जिला में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने ऐसा संघर्ष किया हो, और हमने मुकदमे झेले हैं, सरकार के साथ संघर्ष किया है, और जहां तक कार्यों की बात है हमने विकास के कार्य किए हैं, हमने यहां पे लोगों की और जो जरूरतें हैं उनके लिए कार्य किए हैं, और मैं आगे भी इसी तरीके से करता रहूंगा, और मैं निरंतर सक्रिय रहने वाला व्यक्ति हूं और आगे भी सक्रिय रहूंगा। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ एक बात है, मैंने अपने आप को तबादलों में इन्वॉल्व नहीं की। तो जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं सर? मैं 101% जीत के प्रति आश्वस्त हूँ, हम विजयी होंगे। भोरंज क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। वहीं आजाद उम्मीदवार प्रेम कौशल ने बताया कि आज उन्होंने आजाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट न देकर मुझे 2 बार अनदेखा किया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार वह रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करेंगे। जीतेंगे, जन समर्थन साथ है, जन भावना साथ है, मेरे किए हुए काम है विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में, गाँव गाँव के अंदर, पंचायतों के अंदर विकास के चिन्ह जो है वो बोलेंगे। पहला तो जो विकास किया है उसकी बात करूंगा, जो काम मेरे माध्यम से हुए उनकी बात करूंगा, उसके अलावा फिर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो मुद्दे रहेंगे, और भोरंज विधानसभा क्षेत्र में जैसे कि आईटीएच, पीडब्ल्यूडी और बिजली बोर्ड का डिवीजन खोलने की दरकार है वो मुद्दा रहेगा, और बमसन से जो भोरंज विधानसभा क्षेत्र में जो एरिया आया है उसमें जो टोनी देवी में तहसील और ब्लॉक बने उसमें थोड़ा सा नाइंसाफी कुछ क्षेत्र के साथ हुई है, तो वो मेरा एक मुद्दा रहेगा कि जो टोनी देवी तहसील के नज़दीक और ब्लॉक के नज़दीक का एरिया पड़ता है वो वहाँ रहे, लेकिन जो भोरंज जो जनता वहाँ की जो भोरंज में रहना चाहती है तो वो भोरंज में रहे, तो उसको एक रीऑर्गेनाइज करने का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो मेरा चुनाव रहेगा।